अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शिवम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त मौजूद हूँ गनपत पुल पे। आपको बता दूँ आज यहाँ पे ख़बर देने का मकसद क्या है। आप जान सकते हैं रात को तूफ़ानी बारिश ने ज़िला डोडा के कई इलाकों में नालियों से ऊपर से आया हुआ पानी सीधा दरिया चिनाब की तरफ आ रहा है। आपको पहले हम दिखाएंगे इस वक्त चिनाब का व्यू कैसा है। चिनाब का पूरा कलर तब्दील हो चुका है, आप देखिए पूरा मटियाला हो चुका है चिनाब, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है तूफ़ानी बारिश की वजह से इस दरिया चिनाब के अंदर बह गई। आपको बता दें नाज़रीन, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि डोडा टाउन में नालियों का एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि जिसमें लोग गंदगी कूड़ा जो भी होता है अपने घरों का वो सारा जो है नालियों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नालियाँ भर जाती हैं और वो पानी ऊपर से फ्लड करता है। और वही आज आपको दिखा सकते हैं कि नेशनल हाईवे का ये पुल गनपत पुल, जिसे कभी बीजेपी ने लैला मजनू नाम दिया तो कभी कांग्रेस ने हीर रांझा नाम दिया, ये वही पुल है जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे का पुल है और इसी पुल पे आप देख सकते हैं इस वक्त कीचड़ का क्या हालत है। यहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, यहां से लोग चल रहे हैं, तो किस तरीके की हालत बनी हुई है। तो वहीं यहां पे कुछ मजदूर लोग भी इस वक्त यहां से जो है सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां पे मशीनों की जरूरत थी, जहां पे आज मशीनों के जरिए से यहां पे सफाई करने का वक्त था, लेकिन वहीं कुछ लोगों को बिलचा उठा करके इस पुल की सफाई करनी पड़ते हैं। तो आइए इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं आखिर ये कौन लोग हैं जो इस वक्त गणपत पुल पे ये मिट्टी को साइड पे कर रहे हैं और गाड़ियों के लिए साफ रास्ता बना रहे हैं। आपका स्वागत है शिवम चैनल डोडा में। आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं, आप मजदूर हैं या कि मुलाजिम हैं म्यूनसिपल कमेटी, कौन है आप लोग? सर हम ये R&B में काम करते हैं, रोड पे R&B में काम करते हैं। जी सर। और मुलाजिम हो? हाँ सर मुलाजिम हूँ। तो आप परमानेंट हो? नहीं सर परमानेंट का ये सैलरी नहीं देते हमें, इन्हें दिए पिछले मार्च में लॉकडाउन में दिए 2 महीने, उसके बाद नहीं दिए हमें। तो आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आप बताइए, आप सारे के सारे यहाँ पे इस वक्त ज्ञानकुली हैं, वो भी हैं नीड बेस पे, आप बताइए तो जो बाकी इस वक्त मजदूर हैं या जो आपके यूनियन में जो बकिया है जो परमानेंट हैं वो किधर हैं? सर जय साहब अभी इधर ही था तो वो पता नहीं इधर गए कहीं, मशीन कहता है उधर भी रोड बंद है, वो मशीन के साथ उधर ही गए हैं सर। तो अभी 10-11 बजे तक इधर ही था जय साहब। तो आप बताइए जो दूसरे लोग हैं जो परमानेंट मुलाजिम हैं वो क्यों नहीं आए हैं? सर उनका क्या पता सर, उन परमानेंट मुलाजिम सर कोई नहीं, जो गैनकुली परमानेंट इधर कोई नहीं है सर। हम ये सर नेट बेस वाले, हम आज 2-3 दिन से ये सर पुल साफ कर रहे थे, तो कल भी थे हम, परसों भी थे, तो फिर रात को कहीं सर ये बारिश आई तो फिर से ये। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन आ चुकी है, देखिए मशीन भी इस वक्त यहाँ पे काम करने के लिए आ चुकी है। आपको अभी हम बता ही रहे थे कि यहाँ पे मशीन का काम था, लेकिन यहाँ पे ये गैनकुली जो मजदूर थे ये काम कर रहे थे। तो अभी देखिए यहाँ पे मशीन आ चुकी है, मशीन के ज़रिए से अब यहाँ पे काम लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी जस्ट पहुँची है मशीन यहाँ पे और काम लग रहा है, अभी यहाँ पे पुल पे ये सफाई जारी है। आपको बता दें नाज़रीन
पहले तो यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी जो है वो जो यहाँ की नालियाँ हैं टाउन एरिया में जितनी भी पाइपलाइंस बनी हुई है उनको सही तरीके से सही ढंग से जो है रखने की कोशिश करें, उनमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मरम्मत करने की ज़रूरत है। और वहाँ से क्योंकि रास्तों पे पानी आ जाता है जिसकी वजह से वो रास्ता बना लेता है पानी खुद उसे जहाँ से मर्जी है, तो हमें चाहिए कि पानी को कोई ऐसा रास्ता मुतय्यन करें जहाँ से वो चले, ना कि पानी को खुद रास्ता बनाने पर मजबूर करें। और अगर पानी को खुद रास्ता बनाने पर मजबूर किया जाता है तो आप सब साफ तौर पर देख सकते हैं कि वही हमारे नेशनल हाईवे के पुल की हालत होगी। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ से मिनी बस भी चल रही है, तो यहाँ पे आज इस ब्लैक टॉपिंग वाले पुल पे इन्हें किस तरीके से सफ़र करने में परेशानियां और रुकावटें आ रही हैं। आपको नाज़रीन एक बार फिर से मैं बता दूं कि ज़िला डोडा में जो भी यहां के शहरी हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें चाहिए कि घरों का जो भी कूड़ादान है, आजकल जो गाड़ियाँ चलती हैं म्यूनसिपल कमेटी की, तो उनमें वो डाला करें। उसमें दोनों बॉक्स बने होते हैं, उसमें एक में लिक्विड में होता है और जो दूसरा है खुशक और ड्राई, वो दोनों होता है, उनमें डालने की कोशिश करें ताकि वो नालियों में, गंदी नालियों में ना आए। अगर वो गंदी नालियों में कूड़ा आता है जिसकी वजह से जो है जाम लग जाता है नालियों में और वो पानी सारा रास्तों में बह जाता है और जिसकी वजह से आज हमारे रास्तों की हालत इस कदर जो है तबाह हो चुकी है कि जहाँ से गाड़ियों को, यहाँ से आम लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें ये वही गणपत पुल है जिसने पुलडोडा के मेन रोड को तकरीबन 5-6 सालों से बंद करके रखा हुआ है। वहाँ के लिए भी कोई काम तो चल रहा है लेकिन अभी भी वहाँ के लिए गाड़ियाँ नहीं जा रही है। देखिए अभी मशीन लगी है और ये काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं यहाँ से सफाई करने के लिए। तो फिलहाल बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।